सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जो हर फील्ड के लोगों को अप्रिशिएट करना और उनसे इंस्पिरेशन लेना, यहाँ के लोगों को इंस्पायर करना उनसे, सर कितनी बड़ी बात है जो एकता मंच कर रही है। एकता मंच के बारे में अजय कौल जी हमारे काशी थे, मैं तो उनके लिए भी नया हूँ, मेरे लिए भी वो नए हैं। ये 2 महीने के अंदर यानी इलेक्शन के 15-20 दिन के पहले मेरी और उनकी मुलाकात हो गई। मैंने देखा एक अच्छा सा स्कूल चलाते हैं, यानी उधर के पब्लिक को यानी लड़के लोग को वहाँ एडमिशन देना, अच्छे में शिक्षा देना, ये अच्छा नहीं काम करते हैं। और उसी तरह मैंने इलेक्शन के टाइम 1-2 बार वहाँ गया, फिर उनके फ़ोन आए, मेरे फ़ोन गए, जो हमारा कांटेक्ट अपने जैसे आपके लोगों से मेरा कांटेक्ट होता है उसी प्रकार से, तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मेन है कि हमारे यहाँ जो मुंबई कॉरपोरेशन के माध्यम से जो काम करते हैं, यानी मुंबई कॉरपोरेशन के अंदर जो सफाई कामगार होते हैं, अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, उसी प्रकार पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं, दूसरी प्रकार मिलिट्री होते हैं, जो अच्छे काम होते हैं उसको प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी होती है। वो काम नेक आदमी ही कर सकता है, वो नेक काम उन्होंने किया है और मुझे भी अच्छे बुलाया तो मैं भी आया। मेरा अभी 7 बजे का दूसरा मीटिंग है, पहला सुबह हो गया, उसके बाद खाना खा के मैं यहाँ आया, तो यहाँ से मैं अभी दूसरी मीटिंग में जा रहा हूँ। और अच्छे काम के लिए मैं हमेशा उनके पीछे नहीं आगे रहूंगा कि जो भी काम उनका होगा तो उनका ही नहीं सभी का करना चाहता हूँ। और इस एरिया भी मुझे नया है, आज पहली बार मैं वेस्ट में एंट्री किया हूँ, पहली बार यानी ऐसे कोई फंक्शन के माध्यम से, तो आते जाते रहूंगा तो उनके काम भी करने को मुझे मिलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मगर मैं आते समय देखा मैंने बहुत सारी ट्रैफिक और ये सब, तो उसके लिए मैं हर वार्ड में तो हमेशा जाता हूँ, जैसे मेरी एक विजिट होगी तो अगली विजिट में और इसके ऊपर क्या सुधार कर सके वो भी देखूंगा। अजय सर, जो सर ने वादा किया है अंधेरी वेस्ट को सुधारने का, आप इतने सालों से इतने काम करते आ रहे हैं, रविंद्र सर का साथ मिला है, आपको सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके कामों का तो एक बहुत बड़ा इतिहास है, अगर हम लोग देखेंगे कि जब से वो कॉरपोरेटर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा की है वो आम जनता के सामने है, और मुझे यकीन है कि इस एरिया में उनका काफ़ी योगदान रहेगा और ये इलाका हमें बिल्कुल अलग देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।